सभी को मेरा नमस्कार। तो फ्रेंड कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स आज मैं धुलने जा रही हूँ अपनी ये बाजे, बहुत गंदी हो रही है क्योंकि त्यौहार आते हैं तो उस टाइम पे मन करता है पहनने को, आगे पीछे तो नहीं मन करता है। बस मैंने रख दिया है फ्राई पैन में पानी गर्म करने के लिए और मैं इसमें पाजे धोऊंगी, ज़्यादा चीज़ तो नहीं धो रही हूँ। बस इसमें एक अंगूठी है, मतलब एक दो अंगूठी हैं और जो है पजेब है। बाहर नहीं धुलवाती हूँ मैं और घर में इसी तरीके से धुलती हूँ मैं हमेशा, और साफ बहुत अच्छे से साफ हो जाती हैं। तो इसमें डाल दिया है मैंने फॉइल पेपर थोड़ा सा, और थोड़ा सा डाल दिया इसमें सोडा, और इसमें डाल दूँगी एक चम्मच के करीबन, छोटे चम्मच से सरफ। बस इसी को ज़रा, बस ये उबाल आएगा इससे फटाफट से गैस को कम कर देना है। और इसमें जो है ये देखिए जो मेरी पंजेब कितनी बुरी, मतलब गंदी हो रही है, बुरी हो रही है। इसमें अंगूठी वगैरह डाल दी, पंजेब वगैरह डाल दी, बस इसको अच्छे से थोड़ा सा खोला लेना है। बस ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती हैं। अगर ज़्यादा गंदी हो तो हम इसको ब्रश से रगड़ भी सकते हैं। और इस तरीके से मैं देख रही थी इसको बीच में हिला हिला के कि ऐसा ना हो कहीं ऊपर ही रखी हो नीचे। ये देखिए ये चमकने लगी है बिल्कुल, पहले से बहुत ज़्यादा सही हो चुकी है। बस धीमी आँच में इसको थोड़ी सी देर में और अच्छे से खोलने दूंगी पानी को। और ये देखिए आप देख सकते हैं पानी खूब अच्छे से खोल रहा है और पंजेब इसमें डली हुई है। बीच बीच में मैं इसको कांटे की सहायता से तो देख सकते हैं आप, और ये मैं इसको निकाल के देख रही हूँ इसमें, तो पहले से काफ़ी साफ़ हो चुकी है। और ये देखिएगा आप, तो आप देख सकते हैं मैंने ये इसमें से निकाल के पानी में डाल दी है, बल्कि कोई मतलब रगड़ी भी नहीं है। अगर ज़्यादा गंदी हो तो हम ब्रश से रगड़ भी सकते हैं। तो देखिए आपके सामने मैंने इसको रगड़ा भी नहीं है और बिल्कुल क्लीन हो चुकी हैं पाजेब, और जो मैंने इसमें अंगूठियाँ डाली थी वो भी बिल्कुल साफ़ सुथरी हो चुकी हैं, बहुत बढ़िया हो चुकी है। अभी तो सिर्फ एक पानी में डाले हैं मैंने इसको और बिल्कुल साफ़ है, देखिए आप देख सकते हैं इसको तो बिल्कुल अच्छे से निखर गई हैं। और मैं इसी तरीके से अपनी पाजेब को या कोई भी चांदी की चीज़ है उसको इसी तरीके से धोती हूँ। और ये देखिए तो मैं गुड़िया भी देख रही थी खड़े होके कि हाँ ये तो वाकई में ही चमक गई। तो इस तरीके से मैं धोती हूँ, तो आपको कैसा लगा ये तरीका और आप लोग कैसे धोते हैं आप भी बताइएगा। और बस अब मेरा मन इनको पहनने का है तो मैं इनको पहन लेती हूँ और करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर। तो ये देखिए मैंने पहनना कर दिया है स्टार्ट, और अब पहन रही हूँ मैं पाजेब क्योंकि त्यौहार के टाइम पे मन करता है पहनने के लिए। तो ये देखिए आप देख सकते हैं कि ये तो मैंने जब लगाया ना तो बहुत ही आसानी से लग गया पहला वाला, और इसको अच्छे से मैंने दबा दिया क्योंकि निकल जाते हैं, कई बार खिंच जाता है तो निकल जाते हैं। और ये देखिए, और अब ये दूसरी पाजेब मैं पहन रही हूँ, दूसरी पाजेब पहन रही हूँ। पहनने में इसको इतना टाइम लग गया क्योंकि इसका ना एक तो ठंड का मौसम भी हो गया, फिर ये थोड़ा सा दबा हुआ था तो ये मुझसे खुल ही नहीं रहा था। मैं इसे कितना खोलने की कोशिश कर रही थी तो ये खुल ही नहीं पा रहा था।
कुल मिलाकर पहन ली हम दोनों पाजेबें, तो कैसी लग रही हैं बताइएगा आप। और अब बनाने लगी हूँ मैं खाना। मैंने आज बनाए हैं, अभी बनाए से मतलब यह है कि उबाले हैं काले चने और इधर बन रहे हैं चावल। बस अब मुझे काले चने छौंकने हैं और इधर चावल बन रहे हैं, उधर मुझे छोले छौंकने हैं, तो कढ़ाई में ही छौंक लेती हूँ। तो बस ये कर लेती थी, मैंने कहा चलो कर लेती हूँ थोड़ा बहुत आपके साथ भी शेयर, क्योंकि काफ़ी दिनों से रसोई में खाना बनाना ये करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, क्योंकि सब काम जल्दबाजी में हो रहे थे तो आपके साथ कुछ भी शेयर नहीं हो रहा था। तो बस इसमें प्याज में काटूंगी और जब तक तेल गर्म होगा तब तक सब कुछ तैयार हो जाता है। तो इसी तरीके से रहता है मेरा रूटीन खाना बनाने का, कि ये भी नहीं है कि पहले काट के रखो ये करके रखो। बस ये थोड़ा सा लहसुन मैंने खाली टाइम में छील लिया था, क्योंकि थोड़ा लहसुन छीलने में टाइम लग जाता है। तो ये देखिएगा बस प्याज छिल गया, जितनी देर में मैं इसमें तेल कढ़ाई गर्म होगी तेल रखूँगी इतनी देर में प्याज भी अच्छे से मतलब कट जाएगा। और मैंने प्याज को धो लेती हूँ, पता नहीं क्यों अंदर से काले काले से होते हैं ना, तो बड़ा अजीब सा लगता है। बस इसमें डाल लेती हूँ थोड़ा सा रिफाइंड, और ये रिफाइंड लेकर आई थी मैं त्यौहार की वजह से, थोड़ा सा वैसे रिफाइंड यूज़ नहीं करते हम, तो बस अब जो है तो उसको थोड़ा बहुत यूज़ कर ही लेते हैं। और ये देखिए यहाँ काटने लगी हूँ मैं प्याज। I'm in the island on a Wednesday, laid back, coolin', kicking feet up like a sensei. Juju hit my line like what you want, babe. Hit her with the script like working out with Hervey. No way, I'm at the gym, you at the gym. It's a small world, I might just have to link with you and him. Look up at this girl like, let me get my words right, cause if she catch me with you, then we going down like Suge Knight. I got a plan, you take your bag like that, then we gon' hit that gas. Make a U-turn 100 miles in the 90, gotta pray to God that we just do not crash. Okay, okay, acting on C like I just tried. Ayy, shorty the school to my rock, and I'm not talking about Jack Black. Ayy, what you do when you doing something you not supposed to do? Thinking it's gon' shield the one you love like they bulletproof. Just like Paul Pierce, it's all lie when they know the truth. Ayy, it's all cry in the end when she leave and she take your juice. Ayy, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Ayy, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Ayy, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Ayy, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Telling me to stop, ayy. Got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Ayy, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop, ayy. Got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Ayy, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop, ayy. Got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Ayy, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop, ayy. Got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op?
captain, turn your lover to a op. तो देखिए कुल मिलाकर खाना हो गया तैयार, चावल तैयार हो गए हैं, सब्जी तैयार हो गई है, बस अब लग गया है खाना। तो आप लोग भी आ जाइए, गर्मा गर्म चने की सब्जी और चावल हैं, और सलाद में आज कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी मूली रखी हुई है। तो आ जाइए आप लोग भी गर्मा गर्म दाल चावल खाने के लिए। और कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग बताइएगा, जो भी चैनल पर नए आए हों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। तो मिलते हैं कल एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ में। ओके, बाय बाय, गुड डे।